हमारे देश भारत की बहुरंगी तस्वीर को जो एक प्राकृतिक आशीर्वाद मिला है वो इसे पूरब पश्चिम और दक्षिण दिशा में विशाल सागर का विस्तार देता है तो उत्तर दिशा में विराट हिमालय की सुरक्षा भी। अगर हम अपने ही देश के एक आदमकद नक्शे के ठीक सामने बाहें पसार कर खड़े हो जाएं, तो हमारा सिर और मस्तिष्क जम्मू और कश्मीर प्रांत के समानांतर होगा। बाएं हाथ की उंगलियों के पोर गुजरात और राजस्थान की सीमा रेखा को सहलाएंगे तो दाएं हाथ की उंगलियों के पोर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सरहदों को। हमारे पांव केरल और तमिलनाडु के अंतिम छोर को छूती सागर की लहरों का आनंद लेंगे और यह महज एक संयोग है कि हमारे शरीर का जहां हृदय होता है लगभग ठीक वहीं हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली विराजमान है। अपने ही भारत के एक प्रांत उत्तर प्रदेश के मशहूर शहर वाराणसी से करीब 13 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक नगर सारनाथ के एक शांत कोने में स्थित इस छोटे से विद्यालय के छात्र छात्राएं जब हर सुबह किसी एक शांति संदेश का दुनिया की 18 भाषाओं में एक साथ गायन करते हैं तो यकीनन प्रकृति भी मुस्कुराती होगी। इसीलिए शायद ही दुनिया का कोई ऐसा धर्म है जिसके मानने वाले भारत में न हो, और वैसे भी लगभग 125 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश के हर देशवासी के मन में प्यार, मोहब्बत और आपसी भाईचारे की जड़ें शायद इतनी ही गहरी हैं जितना मानव जाति का इतिहास। हिंदू धर्म सनातन धर्म है और सनातन धर्म शास्त्रों पर आधारित है, और वो ये है कि जो सर्वव्यापी ईश्वर है उसकी प्राप्ति, उसकी अनुभूति हमें कैसे हो। इस सर्वव्यापक ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें आपस में अन्य लोगों से प्रेम कैसे करना, किस तरह जीना, ये हमको शास्त्र सिखाते हैं। तो जब कोई कहता है कि अन्य अन्य प्रकार के लोग, अलग अलग सोच रखने वाले लोग अगर समाज में हैं तो सारे लोगों के प्रति हमें आत्मीय भाव रखना है, प्रेम की भावना रखनी है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ, इस ग्रीटिंग को, क्योंकि ये हिंदुस्तान में सबसे सेकुलर ग्रीटिंग है। मेरा मज़हब तो अस्सलाम वालेकुम कहता है, आपका मज़हब गुड मॉर्निंग कहता होगा या राम राम या जो कुछ भी है, मगर मेरे ख्याल से जय हिंद जो है सबसे अच्छा ग्रीटिंग्स है। मैं फ़ौज में 40 साल रहा। फ़ौज में मैंने कभी किसी ने मेरा मज़हब नहीं पूछा, खाली नाम, मेरा नाम था, मेरा नंबर था और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली। अगर तासुब होता या भेदभाव होता तो मुझे फौज में लेफ्टिनेंट जनरल नहीं बनाते, ना कि डिप्टी चीफ। दुनिया के लोग आज खुशकिस्मत लोग हैं कि उनके पास श्री गुरु ग्रंथ साहब जी जैसा इतना वैल्यूएबल, इतना कंप्लीट और इतना करेक्ट होली बुक है। और सबसे बड़ी बात जो है गुरु ग्रंथ साहब की मानव एकता की बात है, जो सारे संसार के लोगों को मनुखी भाईचारे का संदेश देती है। गुरु ग्रंथ साहब पढ़ने वाला इंसान, गुरुवाणी पढ़ने वाला इंसान सचमुच ही एक संपूर्ण इंसान बन सकता है, क्योंकि उसको सारा संसार एक जैसा नज़र आता है। संसार में उसको सब लोग अपने भाई बहन नज़र आते हैं और कोई उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं हो करेगा। अब बुद्धिज़्म के ये है, आप लोग जानते हैं कि लाइट ऑफ एशिया ऐसा कहा है। आज पूरे विश्व में जो ये त्रासदी है, इसमें बुद्ध का जो वाणी है, उनके उपदेश है और प्रसंगिक होता जा रहा है, क्योंकि उनका मानव धर्म था और करुणा, मैत्री, अहिंसा, सत्य, इस पर आधारित है।
हम लोगों की सोच में गड़बड़ी है कि मैं और तुम यही से शुरू होता है और झगड़ा यही से मैं और तुम से ही होता है। तो बुद्ध ने यही कहा अनाता थ्योरी कहा है, मतलब आत्मा जैसा हम जैसा सोच रहे हैं वो नहीं है, है ना, वो एक विडंबना है जो हमने एक आरोपित करके देखा है कि जो जैसा मैं बोल रहा हूँ उसके जो एक शरीर है एक मानसिक उनके अंदर में है वो तो फूल मिलाकर का उसी पर हमने किसी उसको नामकरण कर दिया हो गया। उसके अतिरिक्त फिर हम जाएंगे कि शास्त्री जी कहाँ है, ढूंढेगा तो सर से लेकर के नहीं मिलेगा, अगर मिलता तो आज डॉक्टर जो पोस्टमार्टम करके ले आता है ये तुम्हारा कलेजा है ये तुम्हारा ये है तो वो भी मिलना चाहिए कि ये तुम्हारा आत्मा है ये सभी करना चाहिए, तो नहीं है। तो बुद्ध ने कहेगा ये आत्मा है अनात्मा है। एज यू नो दैट द जूज हैव बीन लिविंग इन इंडिया फॉर द लास्ट 2000 ईयर्स एंड इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज वेयर जूज हैव नेवर फेस्ड एंटी सेमिटिज्म एंड परसिक्यूशन एंड देयरफॉर आई ऑलवेज से दैट आई एम एन इंडियन फर्स्ट एंड जूज सेकेंड and Jews have been living here very peacefully without coming into conflict with any other community. As far as the communal harmony is concerned, I would like to say that I always emphasize that we must try to find out the similarities, commonalities between all the religions. And if any differences, you may not ignore it, but you may respect it. As Swami Vivekananda ji said, follow one, respect all. So my message to the children that they must see the commonalities, similarities between all the religions, go and visit the places of worship of all the religions, read their holy scriptures and try to take the essence of their precepts. Parsi mazhab, jise Zarathustra mazhab bhi kehte hai, wo जैसे हर धर्म एकता के बारे में बोलते हैं वैसे पारसी मज़हब भी पहले से ही कौमी एकता रिलीजियस हार्मनी के लिए ही उस पर बहुत भार देता है, उस पर बहुत इम्पोर्टेंस देता है। हमारा मज़हब में एक टीचिंग है जिसको बोलते हैं फ्रस पायो खेद्रम। फ्रस पायो खेद्रम माने आगे बढ़ना है तो यूनिटी की ज़रूरत है, इवॉल्व होना है इन एनी सेंस, दुनिया में कोई भी रीत से इवॉल्व होना है फिजिकली मेंटली स्पिरिचुअली तो यूनिटी की ज़रूरत है। क्रिश्चियन धर्म में हमारे धर्म में एक प्रकार की सेकुलरिज्म हो जाती है कि हम सब लोगों को समान मानते हैं और सबसे बढ़िया कमांडमेंट जिसको हम कहते हैं हमारे धर्म में ये प्यार की कमांडमेंट है। एंड भगवान यीशु मसीह ने यही बताया कि As long as you did it to the least of my brethren, you did it to me. Just हमारा प्यार लोगों को अपना सर्वस्व देकर सेवा में बिताना चाहिए, जो गीता में भी हमारे हमें मिलता है और इसलिए सेंट जॉन्स गॉस्पल और भगवद गीता बहुत बहुत नज़दीक एक दूसरों से मिलता है, बाई विच मदर तेरेजा बिकेम अ काइंड ऑफ अ सिम्बल for the whole world that you see Jesus in every suffering person. Yoma pashyati sarvatra sarvancha mayi pashyati. So you know that sense of closeness, then it can be any religion. Dekho, dekho, ye bahare, ye chaman hai sabka. Now
हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जू, पारसी, ईसाई, इन सभी विद्वानों की बातों को दोहराता ये गीत वर्तमान और भावी भारत की वाणी बनकर गूंजता रहे, यही हमारा संदेश है। हमारी संस्था पब्लिक कंसर्न फॉर गवर्नेंस ट्रस्ट की हार्दिक शुभकामना भी।